पानी मई ढिक्वा कटान सहती रना मई चिमचाम टू ढगोष्टी बहती रना तुहार बिना मैया पुरा मई बिना टू तुहार बिना मैया पुरा मई बिना टू इबाद फेकाजे बार बार कहती रना मई चिमचाम टू ढगोष्टी बहती रना टू पानी मई ढिक्वा कटान सहती रना जय गुरु बाबा मैगर कविला मन बहलना बस्ती लेका मैं स्वम डमंडौरा आपनक्ठे आशा कलबाटू वी मन बहलना बस्ती कार्यक्रम रेडियो सद्भाव एफएम 91.2 MHz नेपालगंज से अटवार राति 10:15 पाच रेडियो मन को मझेरी 91 MHz घोड़ाघोड़ी नगरपालिका कैलाली से मंगर का राति 9:15 पाच वस्ना का रेडियो मन को मझेरी 91 MHz म पुनः प्रसारण शनिश्चर का संजय 5:15 पाच वो रेडियो गोजाली एफएम 90 MHz टीकापुर नगरपालिका कैलाली से बुधकरात 9:15 पाच वनाइसेकबी मैगर कविला इमन बहलना बस्ती थारू साहित्य संस्कृति का बारे में बहस करना बटोइना कार्यक्रम हो आजो की मन बहलना बस्ती कार्यक्रम में हमारा एक तो लौ उठान करलबाटी आनी छुइंग डोलमा एक तो चर्चित व्यक्तित्व हिटी आनी छोइंग डोलमा का फूल को आँखा मा थारू मा कह बेला मा फूलक आँखी मा कना किताब मका खत कना शीर्षक मै तो बटको हिबा उही का अपना कन सुनिना कोशिश करम बटको ही सुनना से पहला उन्हें एक तो मैकर गीत जीवन संगीत सुनो मां सुख
Fatima. Möge mir der Mond hell leuchten in der dunklen Nacht. Will das Leben singen hören im verwelkten Laub. Reinen Herzen öffnet sich eine reine Welt. Dornenaugen scheint die Welt dorngestrüpp zu sein. Pulku akama, pulai sansara. Kaadaku akama, kaadai sansara. Pulku akama, pulai sansara. Kaadaku akama, kaadai sansara. Jhukin chahai chaya, vastu anasara. Kaadaku akama, kaadai sansara. Blumen augen scheint die Welt voll Blumenpracht. Dornen augen scheint die Welt dorngestrüpp zu sein. Dornen augen scheint die Welt. Mai Kathmandu-ma janmeleko uttar purv Barnabasti Bauddha ma ee thau bodse bahirya gaila Nepal ma ekto choti moti sansar pratit hoit. हमार तोल पैठना से पहला भारी पक्की गेट बा मने यही का बहुत तक गेट फेंका था बाहर हरा बेर नेपाल जैसीन लगला से पे पितर गल पाचा जे क्यों फिर यहाँ तिब्बती परिवेश मा भुला जाय था इबास्टिक मूड ग्रुप मा रलक बरुआर स्टूप चारों ओर सड़क लगभग खटकोन आकार मा फैलल बा ई नेपाल का सबसे बरुआर स्टूप वो कई का सुनाई बेला मार्दायिक अनुहार मा गर्भक अनुभूति ढाका से जाए दिन भर अपन दुनिया में व्यस्त रला से पे संध्या का सकू जे घर से बाहर निकल का यह स्टूप का आंधर पांधर हमरा गंगरिया जाए वो एक आपस में समाचार साथ साथ करना चलन पुराना रहा भोटियन स्टूप परिक्रमा कर बेला त्यार जसिन एक दिशा पछे था बाया से सकू जे एक सूर में डाहिनोर लगना विशेष महत्व पे बा एक होर आग बरल बेला में ओकर स्टूप का भिट्टा भर धरगिलक माने एक दिशा में ओर घुमै था वो बेला एक तमासले बिना मंत्रोच्चारणले सारा परिवेश बड़ा फरक बना देत ई स्टूप में बहन गैलक संयों रंगी बिरंगी रेशमी झंडा जिंका हमरा लुंगदा कठी हर बेला आकाश में फरफरैती रहत ध्यार जसिन दुकानदारवन तिब्बती भाषा बोलता प्राय जसिन पोचा घिउ कछिया पीठा यहाँ मोमो फे पाजाइट बोट का राजधानी लासा में जसिन स्वाद का मोमो आंधर पांधर छिमेक में कुछ रैथानी नेपालीन फे बाटा फरक संस्कृति हुई लसे फे टुनु मिल का बहिष्ट था मुआर नशा में अभिभावक से अलग बोटिया रगत बहना करत तर फे मई वर आपना नेपाली कठूं जब जब मई का बुद्ध जन्मलक ई देश में आपना जन्मलक अनुभूति हुई तब तब मुआर छाती गर्वले फुलट सन 1950 का दशक का मध्य और मुआर दाई बाबा छुट्टा छुट्टा रूप में से फरक ठाव न टेगला तिब्बत में हमला करो या चीनिया कम्युनिस्ट होकर अपन आगर नतमस्तक निहुयन मरना व ठुनना शुरू कर बैला रहा दाई बाबा पूर्व मोर परना खाम क्षेत्र से आयल रहा वहाँ होकर फरक फरक गांव कर रहा नाटपाटन से वहाँ होकर नक लश्कर पहला भारत पुगल जहाँ दोनों जनक भेंट हुई लेन जीवन का शुरुआती दिन के बारे में वहाँ होकर विस्तार में कब्बूनी बटोला घर में पहुना आयल बैला संध्या और विगत का समझना उपकैट वह बेला मैं ठोर बहुत सुन ला रहूँ छोर कैलक ऊ कठिन पहाड़ी जीवन का तुलना में नेपाल का दिन ओतरा कष्ट करनी हो कना हुकन गुनगुनाई से था पा जाए आपन ध्यार जैसी संग्रहण से हुकर बक्खु लगाए ई भोटिया पुसा कना कम मर में एक ठो रंगीन कपड़ा ले टमक कसल रहा मर बाबा और ठारू मन से दुई मुंटा ढ्यांग रहा हुकार कुमसम ऐलक कपार पाछवर भन ल रह दाई करिया लम्मा बुटला छाती हुईटी तर कम्मर सम लत्रल रहिन दाई बाबा न सघाई यी बाहे घरैसी काम त पलि रहिन हाम्रो सकुजे एक छानिक तर एकटो क्वाठामा जियल रही सुत्ना क्वाठा जत्र फेनी लग्नाए यी चौघेरा भित्तर सब चिज अटाइल रह काम करना पकैना खैना सुत्ना सब चिज बाबा उहाँ मूर्ति बनाए उहाँ दिनभर बडा कडा परिश्रम करत सन्ध्या परल पाछ उहाँ हो किन शान्ति जहिन आ बौजार थन्क्याइ दिनभर बनलक मूर्ति
कन्टीमा लाइन लगाएको धर्ने पहिला ढलौटे तयार पर्ला यी मूर्ति पाछा खुरुक मूल रूपमा लान्जाए वाकर पाछा कोनो खतरनाक चिजले उहीँका रङ्गाइट ऊ चिज छुनामैका अनुमति नि रह भिद्दमा हँसिक छट्के नजर पार्क बडा बडा सास तन्ती दरा दराको ऊ गन्ध सुँगबेरमैका आनन्दित लाग ऊ गन्ध कपारमा पुगल पाछा मैका बडा चमक अनुभूति भए ऊ खतरनाक कैगिलक बोतल से निक्रलक गन्ध सुन्न कहाँसम्म बुद्धिमानी हो तर भे खै काजिन अजिनका मनुक्क कर पाइबेला मैका बडा मजा आए मैका बाबा मूर्ति कुर्ती रलक हेर्न बडा मजा आए शान्त भएको हेरौँ उहाँ किन कोनो अप्ठ्यारो नहोइस् कना मेरिक पहिला भ्याट हुई बेलामा दाई बाबा प्रेम सागरमा डुबुल्की मर्ती रह तर छुट्टा छुट्ट बाबा जीवनमा मन पर्लक जन्याओसे दिन बिटेटी रह ऊ जोडीक एक ठो छाव रहन् मर सौतेलो दादा मुकनक जीवन सुखी रहन् यहाँ मर्दै भर भोट से अहिलेको पाछा भारतीय सैनिक बन्नक व्यक्ति से छाइ रहन् ऊ सैनिक हन दाई कबु कालकेल भ्याट गर्न रही कहाँ कि ऊ जब फे कामका सिलसिलामा घुम्ती रह तर दायाना ऊ मनैया बडा मन परल रहन्स उहाँ ऊ मनैयाना मन लगाएका चिठी फे लिख्ल रहे यी बात महिका जब फे एकदम रोमान्टिक लाग तर मर नाना यी बात एक ठोपेमा मन नै परल रहन् मै जीवनमा खालि एकछु भ्याट बेलामा नाना दाइक पहिला थरोक बारेमा कलर ल ऊ मनैया कुछ काम कनी हो मर होइन होला बाबक जन्ने भारतमा पिटल पाछ मर नाना हत्तपत्त आपन छाइक हात मर बाबा न सुम्प दिल यमुना दाइक कोनो प्रतिक्रिया नि रहन् ओसा फे हाम्रा समाजमा छाइन बडा मनैनका निर्णयका विरुद्ध बोल्न हैसियत नि धरत जब फे आपन सन्तानका बारेमा अभिभावक हुँक्र निर्णय करत असिन हुइलक भाषामा बाजा गाजा समेत नि रह खर्च गर्न उ बेला किउसे पैसा हो समय फे नि रहन् खालि यी दुईक मिलाप गरेना रहन् ओ यी वस्ता फे हो जाए फेर असिन बेला भजगी छ्या जोग्य धरे मर बाबा आपन प्यारी डुल्हि हन गवाका शोकमा रह दाइयान भर आपन बाबा ओ मौसिक भरमा छोर्लक छोटमोट छाइक चिन्ता रहन् ऊ कौनो बिहान रह जब दाई जीवनसे विरक्त लग्लिन् ऊ बेला हठात एकठो निर्णय लिएर रहे आपन से 25 वर्ष बडा पुरुष हन आपन पतिका रूपमा स्वीकार गर्न रहे दाइक आँस नुकाइक्लाक हुकार प्यारो प्रेमी मुहार बाबासे निसङ्कोच जारी बुझ्ल खबर पर्याप्त रह हाम्रो परम्परा अनुसार औरक जन्नी भित्रैलासे जन्नी छोरैयान जारी बापत लौवा ठरुवा पैसा बुझाइ पर्न रह असीको जारी बुझा भएर ऊ मनैया दाइयान फिर्ता पाइक्लाक एक ठोफी चेन देखाइल ऊ चुइक्क फेनी बोल्क पैसा गोझ्यामा धरल यहाँ दाइभर व पुरुषका कारण पश्चातापमा मुटी छटपटैतिर लिए असिन मनमुतु डेलक व्यक्ति असिक चटक्क बिर्स बेलामा ऊ अचमेट रहे ऊ परिस्थिति से सम्झौता गर्ली दाई बाबक मिलन हुइलक लगत त यी धरतीमा म यैनु यी दा बातले मर जन्मदाता हन हर्षित पर्ल रह यार नि पर्ल रह कना मै अपने अनभिज्ञ बाटु काकर कि मै जबरजस्ती विवाह बन्धनमा बाँड केलक जोडीका सन्तान रहँ तिथि अनुसार मुसा वर्ष चौथा महिनाका दसौँ दिन मर जन्म घरमा उल रह दाइहन जन्म मिटिक बारेमा ठ्याक्क याद नि हुटिन् दाइहन जन्म मिटिक बारेमा ठ्याक्क थाहा हुइन् कना महिका नि लागत तर फे उहाँ जब फे तिथि अनुसारका जन्म मिति उल्लेख गरी यी बाटमा ओत्र महत्त्व फे काजे धर्न दाइक गर्भ 800 बैठल रहन् तर चार सन्तान केल उहाँ हुर्काइसेक्ली अर्थात् दुईमा एक सन्तान केल जिर मृत्यु जीवन जैसिन शक्तिशाली हो देल जीवन मृत्यु चक्रमा अल्झुइनका लाग कोनो विशेष दिन ध्यानमा धर्ना जटिल काम हो म नै मर जन्मदिनका बारेमा पुष्टि रह ऊ बेला मैका लम्मा प्रवेशमा पहिना मन नि लागत ओ झट्ट कैदे ठुँ 1971 जुन 4 वाकर पाछा यी प्रश्न ओसँग बन्द हो जाइत मै 5 वर्ष पुगेल पाछा डाइहन लग्लिन साइड अब छाइ महिका सगाई परट पख्ना जामल चिरैया मु आँक रनी सुहाइट कह जैसिन मार नियति बदल गइल पानी ओसर्न जिम्मेवारी आप मरो पर आ गइल दुइठो भाँडा बक्क हरेक हरेक बिन्ह्या हो सन्ज्या तनिक दुरी धारामा से पानी लान पर भरल बेला ऊ भाँडा भरुवा लाग वाकर उपर एक ठोपाभे पानी निचुह हुइट ज्या होस् दाइकलाई कुछ कर्ना पहिलकमा महिका गर्व लाग भित्री मनसे हुकार सहयोगी बन्न महिका इच्छा लाग सुखका हो कना उहाँ कब्बु फे ठाने पहिले तौ फे हुकार गुनासो कबु नि सुन्नु बाबा प्राय मटुवा रह घर आइन् ओ एक चुटी भे दया निमानका दायन पिटाकरण पिटट पिटट हैरान होका चुर होका ऊ
भुइँक पथ्रीमा गोल्ट्या जाइ वाकर पाछा सुरु हाए गुराए ग्वार ग्वार मैवर सुत्ला सुत्ला अपन हात धीर से दाइक हाँठाको पर्धारौँ मुन्टी सर्ती हुँकार घ्याचक लग्गु पुगाउँ कान्ठे धीर से सास फेर्ती हुँ किनका स्याकरसम्म अपनो टोक आभास दिन कोसिस गरौँ दाई बाबक पथ्री तनिक दूर कोनोमा छोट छोट पथ्रा बिछाइल र ओ पथ्रामा हाम्रा जोटक सुटी जुरले निन खुलल पाछा दाई पथ्रीमा जाइ मै फे अपन पथ्री ओर लागु कोठा कोर कसिन रह कलसे दाई क्युनि पट्टा पाइलस बाबक पन्ध्र सुट पुगे मै देख्ती रहँ मै अपन कोब्बर भिट हान धकेल दिउँ कना जैसिन ठेलु ग्वारा टानका साकेटसम्म पलटक पथ्री ओर हेरौँ कुछ गडबडक चाल पाजाए कैक ओ दाई पथ्रीम पुगल पाछा बाबा उठत ओ अपन काम बासना शान्त पारक लाग जन्या बिठाला सुरु करत हिट्री सेबर मैका हेर्न इच्छा नि रह ओ मै और और बिलत जाउँ मै छ वर्ष पुग्ल नि रहँ मर बाबक व्यवहार कुटिल बाटिनकना पटापा स्याकल रहँ सबसे पहिला त दाई मैका बचैना कोसिस गरी तर सब निरर्थक बाबा कुछ चबैला सेफे नि चबैला सेफे धारी किटकिटाई जब फे कनो जटिल विषय सोच्ने बाटीबाट कि कनास लाग तर विषय का हो कना हाम्रा पत्ता नै पाए उ आक्रोश म थर हुइना म जब फे एकठो मजा कारण भए दाई जब सहज छोरी बाबा त तुरुन्त नियन्त्रण म हुँ बाबा महिका पहिला फ्यार कब पिट्ला म स्मरण उ बेला समस्क धरहनी चाल या इफ्यु स्याकट म यो बेला सम्झना धरन सेक्ना मेरका छोटी रहँ एकठो बिहानमा एकठो सङ्घर्ष मिल्का काम गर्ती रहँ हुकुन दुनजनक नाउँ डोलमा रहन् एकठो डोलमा बाजी ठापी भाँडा के मजासे डुइसेकी खाना पकेल क्लब कले अलुङ्ग भाँडाकुँडामा कालो पत्र बैठल रह जोर दोर से मस्काकर भाँडा करिया हटेन कोसिसमा रही हाम्रा सडक किनारा हान अखडा बनाइदिए लुग्गामा फोहोर लाग्जाइ कि कना चिन्ता फेर उहमा र हाम्रा दुकानका बाहिरका सिँढी थोर्चे उप बैठल रहे गुन्जना मुठमा कसका नारनका बल लगाएका भाँडा करिया छुटैना एक मेरिक हाम्रा यी भाँडा त सिलाबरका कहाँ चाँदीले बनल भएकना एक औरकन विश्वास दिलेन खोजी जबकि ऊ बेलासम्म क्युफी हाम्रो चाँदी देख्ला नि रहे तर गुम्बामा जाटीका चाँडेक भाँडा रहटकना डोलमा सुनाई मै प्रतिस् मै कम्पिटिसनमा मग्न रहँ कत्रा मग्न कलसे जब बाबा बोलाइला मै सुनबै नै गर्नु ऊ अचानक मार पाछौँ वर्षे आपुग्ला वसा टहकार बरुवार शरीर वाकर उपर नियम झेर्ला से झन कतरा भारी देखिन टपकी कुछ दिन आग दोकानदार एकठो किताबमा देखलक कायल राक्षसको याद आयल ज्याकर कमिजक बौलामा वक्र बरुवार बरुवार पखरा च्याचुट पर्ल रह एकठो छोटमोट बच्चा कोर जब ऊ लिउ रहल त ऊ बच्चा आँखी भयभीत हो बाहिर निक्लन मेरो प्रदर्शन हुँदैस हे भगवान् अब मर उप का हुइना हो यहाँ का कर्ते भुमु 10 मिनट से ढेरो गिल टुइका खोजलक भोटिया भाषामा छाया न भुमु कठ मै आँजर पाँजर यहाँ नाउँले चिन्जाउँ मर खास नाउँ डोलमा छेकडिक हो झिङ्का केउ फे प्रयोग नि गर्थ मै जब फे भुमु रहँ सबक छाइ मैका माफ गरिदेऊ बाबा मै नि सुन्नु हाम्रो भाँडा मिस्टी डोहरी गाइटै तुहीँका दोहरी ऊ मर भेटाइल जत्रा कपार मुठमक कसल ओ ज्वाट टन्ल पुट्ली जैसिन उचाल गेलक मै हुकार मुन्ट मर पुगेनु कपार ध्यारना बठाएकै कमै बेङ्ठा टेक्टिरहनु केक्रो मुठमा कैड हुइल पाछ लगातार ध्याङ हुइल जैसिन मै अपन गरा भुइँ छोड्न कोसिस म रहँ कुछ कैक कसुवक मै यदि गिर गेलसे उहाँ लछार पछार कैक मनके पिट्ने रह तर मर एकठो ग्वारा अलज गेल स्वाभाविक रूपमा मर हातले हुकार ग्वारा पक्र पुगल तब मैका ऊ उठाइ छोर्क लाट्टले पिट भिर्गिल मै भुइँम गिर गइडो डोलमा हुक्र त भन्ने फरार हो स्याकल रह मैका जाइदेऊ मैका जाइदेऊ मै घरक आग खम्बमा जाक थका गेनु ऊ भित्र पैँसिल मै हुकार पाछा पाछा लग्नु तुइका थाबा तै मैका सघाई बरट थाबा कि नै उहाँ बुरुज बाहिर लन्ल आवाजमा कुछ नरम पना रहन् तर मै भर थरथर थरथर कम्ती रहँ लगलगैतिर हुँ अब सम्झठु मैका देना ऊ सजाय फे समयअनुसार मात्रामा मिलाएको भए गर लामा समय पाछा पिटाई खैटी बाटो कना वत्र यातना हुए कानवश तत्काल पिट निहोराइल कलसे उहाँ आराम करत या कहो निकर जाइट वाकर पाछा फेर से गोरु पिटाई हुए ऊ निरन्तर चर मैटुआर मामा उहाँ सटुवा लिया जाइटु घुमल पाछा तुहार मर्मत करम तुहार कारणले आज मै बिना चिया खैल न्याग पर्ता हेर्तिजा बुमो तुहार का हुइट बडा महान काम गर्नु घनास कति बाबा बाहिर निक्र मार मुटु असिका ढुकढुक गर्दै जाए मानव बाहिर सडकमा बाबा सुन्टीबाट
आटंकक बीचमा मै अरु कौनो आवाज महसुस गर निसेको मैका पतारा बाबा आप मावासे बैठक छ्याङ पिही वाकर हल्का गोरी गन्धलेक सन्ज्या जवाइही ऊ औरो ब्यालासे बे डरलाग्दो रूप देखही ऊ ब्याला मार छोटी गल्तीमा फेर राम दुलाई होई दाइको समयकलाग बाहिर गेल रहे घरमा बाबा वा मै गेल रहे अर्थात आतंक अचानक हावा तातुलो भारी होक आयल सास फ्यार निसेक्नु मैका चुल्हा चौकी गर्नार तर चल निसेक्नु मै उहाँ घोप्ट्याक पसरल परिरहनु आब सायद हस्त हराम कनामेरि आखिर बाबा घुम्ल रात पर्स्याकल रह उहाँ न त एक शब्द निकर्ल न त मैका हेर्ल मुहारसम्म उहाँ मुहमका गुरी गन्ध केलाइतिर उहाँ बराक घौँड चालले यहाँ वर्कतिरल उहाँ बत्ती बर्ल वा आफन काम गर्न ठाउँ पुग्क औजार न उठ्याइ सुरु गर्ल मै तयार रह उहाँ नुक्ना कौनो ठाउँ फिनेर तर उहाँ त सुस्केरा मर्ती काममा मग्न पो हुई भिर्गिल मानो मुहार नेटिन ऊ बिस्रासेक्ल मुहार प्याट ऐटे गुन्ठी कर लागल बडा अप्ठ्यारो लागल यी त यातना होइल बाबा बिस्रैला कविट छाइङ गल्ती ओत्रा अक्षम नि हो कैक आफन विचार बदल्दैन कि आतङ्किटी बच्चा अपन बुद्धिले यी व्यवस्थाक कारण फेला पार निसेक छोटी दिमागमा झन् तुफान मच्च लागल आज उहाँ कारणवश नि पिट्लकलसे कौनो निहुम काल जरुर पिटुयाबाट ओ पिट ब्यालामा मोकेन लगिन यी उम्कल रह यी मनमा परहिन् मै बच सेक्नु कन आधारले चिटैलकमा उहाँ झन रिसही ढोका हुइल जिस्न मनही साइडी बाटमै पटवाडेम कलसे ऊ प्रभावित होगा कुछ सहुलियत डेठकी बाबा टु कुछ चिज बिस्रल बाटो सोचोट आगक डोहरी अपनक चिया उहाँ फेर्से सान लगैतिर लक्चकु से आँखी उठाक मरोड हेर्ल कुछ बेर गाउँ खाइल जैसिन कर्ल होकिनका छाइप्रति गर्व अनुभव हुलिन् कि जैसिन मै सोच्नु अन्धारमा हुँका आँखी चम्कलिन् बत्तीले तरहर पर्लक समटल रङ्गक ढिपढिप ओजरारमा उहाँ अचानक बौराल जैसिन देखाइ बिर्ल हे भगवान् गर्व नि हो पागलपन पुरा मत्तो चालमाल ऊ को नम्से उहाँ आँटक धर्यार चक्कु मरोर फक्ल मै त चकित पर्गिनु हिल फेनी बहिनु कठोक डाप मर आँखी उपरा पुगल उहाँ मूर्ति खोप्ना राबो उठाक फेर्से मरवर फकैल बाबा मरही आँखी हेर्ती आँखी निखारक मर छोरहीँक नमैका लागल चर्यो चिजले मारल पाछ उठक मर पाँजरैल मुकार हाटमा कौन हो जाने रहन् इचालमै पासेक्ल रहँ फनक्क घुम्क भेरिक पुट्लले बल्लक कम्र वर कुद्नु जेम्न मै सुत्ना करौँ बस वत्र हो उहाँ लट्ठी लिएक उहाँको बरमा ग्वारमा मुन्टीमा जहाँ जहाँ मन लग्दिन् उहाँ उहाँ तनातन बजाइ भिर्ल कमरक भित्तर ज्ञानडा जैसिन गुल्यार पर्क बैठ बेला मैका सास फेर्न गाह्रो होइट कडा गन्ध ऐना कमरा चबाक मै सुक्क सुक्क कर्ती प्रहार सहती रहँ मुहार सुकसुक आइले बाबान बडा रोमाञ्चित पर्ती रहिन् ऊ अथरा मत्ताइल रहला कि ऊ कमरा फकाएको यहीँका पिटो पहिलासे आभिन मजा आइनेर कना उचित उसमा चाहिँ निसेक्ल रहल आखिर उहाँ रुक्ल मै फेरि हिल्नु आबू बुवालाई भेर्ल तै मैका काम कर ब्यालामा अत्रा परेसान काक्र पर्थ्या हँ त्वार दाई ऊ टुइका बालकमै अट्टा मेहनत गर्थुँ मैका कुछ मिनटसम्म दोष थुपारल पाछ उहाँ पथ्यौर लग्ल ऊ अनरला फेर एकचो मुहारलाग यी आतङ्कक चक्र ओकल मैका पिटक लाग बाबासे हरेक दिन कुछ न कुछ कारण रहिन् कारण होइ पर उहाँक अनुसार असिक लगातार पिटाइ खाइक लाग मै कै अमेरिक हरकत गर्ती रहँ तर अत्रा पिटाइले फे मुहामा कोनो सुधार आइनि स्याकट बल्कि पिटाइले मै आभिन्नी मजा बन्ती रहँ केवल मैका मजा व्यवहार जहल रह तर बाबक आक्रोशले आप काकरट कनामै पत्ता लगाइनि सकुँ यदि भुङ लागल बेलामा तयार नै कलसे यदि बलैटिकी मै हाजिर निहुन कलसे यदि मै भाडा मिस्क निसेक्नु कलसे पाठ गर बेर अट्कनु कलसे जुन भइएन मै जब फे दाई जैसिन माई मै यहाँ दिउँ ऊ रुई बेला तत्काल स्थिति यहाँ नियन्त्रणमा लिनी सिक्नु कलसे यदि 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 नसामा उम्लतिर लाग उत्तेजना बिसाइकलाग उहाँ जब फे एकठो अवसरका खोजी गर्ती रहन् असीको मै एकठो राक्ष जैसिन मनैक उपस्थिति व्यवहार पर ज्याफे उठाएको मार्दर्ना चक्कु कुर्सी बिजुलीको तार प्लेट तावा ज्याफे
दया मायक थोर्सबे गुन्जाइस नि रह महिका कतरा चोटलाइकन परवाह नि रहिन मानव महिका सिद्धाइक्लाग ओराइक्लाग पुराका पुरा शक्ति लगाइडल बाबा हुइल कारण उहिका पिट्न अधिकार रहिन ओ उहाँ पुराका पुरा सामर्थ्य लगाइस्याङ्गत मै यी बारेमा केका कबुनी गुनासो गर्नु तर अत्र बेढक काजे पिठक नामै कबुफे बुझानी सिक्नु मर उप पुरापुर अन्याय हुइटिर हर हमेसा राम धुलाइका आतंक मानौ मै कौनो गलत काम करलक नतिजा रह बाबा फे छोटी रहल ब्यालामा सौटेलवा बाबा खाँटासे पिटाइ खाइल रह हुकिनका रगत नियसम पेटीले कुब्बरमा पिटाकरण हुँ यी कटु भगाइले फे बाबा न थाहा हुइपर्ना रहन् पिटाइ खैतिर लग छेर से फे मै पिट जैटु कना छेरले बहुत पीडादायी हुइट जौन ब्याला फे धरातल खसखस्या कटकना त्रास मनमा धरती भिरमा न्याकल जैसिन् गिर्ना निश्चित बा तर कब कसिक कना थाहा नै पाइबेर मन त्रसित भए मनस्थिति त्रसित भए तर अत्र हुइटी हुइटी बाबक हाट से मर धार नि भाँच गेल मर कुब्बर व कम्मर जब फे घावले भरल रह मर कुब्बर तुर्ना दुष्प्रयास फेर एकचो हुइल दाई बजार गेल रही मै बाबा से कल्हे रहूँ हमरा जौक पिठा एकठो झलम से औरमा ढर्ती रही बाबा कौनो जरूरी काम अरहल बेला सद्द जैसिन यी बेला फेर थकित महसूस करती रहूँ मर गुवारक पन्ध्र अड्कैलक झलम बाबा पिठाले भरलक भाँडा घपटेटी रह लगातार काम करलक कुछ मिनट पाछ बाबा बोक्तिर लग भाँडा ज्वालक मुँह से कुछ दूर धकेल गेल नियन्त्रण कर खोज्ती खोज्ती फे दिन से पिठा भुइँमा रागेल यमना बाबाको गल्ती रहिन् तर याकर भुक्तान महिका कर परेका नामै थाहा पाछ्याकल रहँ बेवकुफ माफ पाउँ बाबा ड्याम्म ड्याम्म अपन हाटका टेन्टका भाँडाले बाबा बिजुली गतिमा मर मुरीको पर बिचार भिर्ल उधार्यार रह एक खचिक मर मुन्टी मसे टाटुल जोहार चुह जैसिन हगिल मै बेहोज जैसिन हगिनु पानीमा तैरै जैसिन लागल लागल चोहटले छटपट छटपट गर लग्नु रगतक पलिन्द्र धारा लिलहार हुइटी आँखी ओर आइल पाछ हातले पोस्नु ऊह बेला स्याप्फे बहती रह मै बाबा कुँवर हेर्बे हेर्बे निकर्नु मै लजित रहँ आफन कोनो दोष नि रह तर फे मै स्वयंमा नतिकार्ती रहँ काकर कि अत्र पिठा जोड्न बाबा न एकदम मेहनत गर परिन् माफ पाउँ बाबा मैसे गल्ती हो गेल कुन कारणले यी सब हुइल कना हेक्का निडर्क मै एको हो र आफन गल्ती हुइलक मन्ती रहँ एक शब्द फेनी बोल्क बाबा मर मुन्टी फनक्क घुमैल गोजेमासे रुमाल निकालक रगत रोक्न कोसिस गर्ल बहती र लक रगतमा ध्यान देलसे फे हुकार हात पराग कडा रहिन् हुकार अनुहार भावविहीन रहिन् कुछ बेरमा ऊ जुरुक्क उठल ओ तिनक भाँडा भुइँम भग्ल छ्याङ्ग्र्याङ आवाज करती ऊ मर ग्वारमा आकल रहल ऊ महिका बिनहेर्ल बाहिर निकर गेल मै भर अपन मूर्खता हाँसरप्ती रहनु यी घटना मर जीवनका भुलाइ निसेक्ना छेड बनल काकर कि आज फे मर मुन्टीमा हुकार देलक चोट 4 सेन्टिमिटर खाओ बा कपाल खौरल ब्याला त यी झन प्रस्त देख जाइट सर्लक्क कपार चुहासल पाछ देखाजिना सिन्दुर लगेना धर्सा जैसिन् कबुकाल मनै एकर बारेमा महिका पुष्ट मैभर स्वाज उत्तर रिडक मुरीमा और डाकका बारेमा वर्णन करलक ठु जौन सामान्य कार दुर्घटनामा लागल रह बाल्यकालको यी दुर्घटनाको बारेमा साइडमै बडा कम चर्चा गर्ल बाटु महिका बल्कि बाबासँग बिटैलक मजा छियाको उल्लेख गर्न मन परत जस्त एक समय उहाँ मर उमेर पूजापाठ सिक्न योग्य हुइलक निढोकर लरल उहाँ महिका छोटी बच्चा जैसिन् काखीमा च्याप्क न्याङ्ग रहल बाबाको उल्लेख आकर्षक रूपमा फि हुइसकत अतिथि सत्कारमा उहाँ बेजोड रहल विशेष कै भारत से उहाँक नातेदार आइल बेला हाम्रो घरमा मिठ मिठ खाना पाक दाल भातका सँग तन्न मासु यी दृश्य मुहार स्मृतिमा बडा रमाइलो छेडका रूपमा जियलबाट उहाँका सम्झ बेलामा मै आँसु नि रुवाका सेक्ठु रमाइलो निरग्ना छेर भर मर स्मरणमा छिर मनक बैठलबाट ओ वाकर सम्झनाले पत्रा छुनाफिनी छुवट भगवन भगवन कहाँ म जाऊँ
कहाँ छ मन यो जहाँ बिसाउ मन यो जहाँ बिसाउ मैकर कविला अब आफ्नो ग्रहनेतिर लि आने चोइङ डोलमाक फुलको आँखामा थारुवासम्म आफ्नो खन मन भएन कार्यक्रम कसिन लागत जसा लागत उस्ता प्रतिक्रिया देवी आफ्नो खनका कौन प्रतिक्रिया बाकलसे हामन सम्झबे 9800566655 या 9850822646 या त आफ्नो ग्रह नेपालगञ्ज एल्ब्यालामा गोचाली खाजा घर चार बहनी रोड में भेट कर सकबी आज कार्यक्रम मई घर चेवना दलक में अपना ध्यान धन्यवाद देती मई सोम डे मंडौरा बोलता रिटू जय गुरु बाबा।